आज हम क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर टू के बारे में आगे हम प्रिपेयर इसको पालन और पढ़ चुके हैं, इसके फिजिकल फीचर के बारे में इसी के बारे में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें पेनिनसुलर प्लेटू, भारत का पेनिनसुलर प्लेटू है पृथ्वी पर, जो पुराने बुक्स एंड नेशनल बन उसमें इसका पेनिनसुलर प्लेटू का भी स्थान है, वैसे पुराने संरचनाओं में ये भी आता है। हिमालय और भारत का मैदानी क्षेत्र जो है, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र ये नई संरचना में अंतर्गत आता है, और खास करके हिमालय क्षेत्र जो है अनस्टेबल जोन के अंतर्गत आता है आस्की क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट है पृथ्वी की, जो प्लेट जो सेवन प्लेट्स हम लोग चर्चा किए थे, मेजर प्लेट्स क्रस्ट बनी है, ये अस्थिर क्षेत्र पड़ता है, ये यहाँ पर प्लेट मूवमेंट ज्यादा चलती है, वहाँ भूकंप वगैरह आया करते हैं हिमालय क्षेत्र, और खास करके भारत का मैदानी क्षेत्र जो है कुछ नदियों द्वारा लाई गई एलिवेल सल्फ्यूरिक मिट्टी जिसको कहते हैं, लैटेराइट मिट्टी से बना हुआ है, और भारत का पेनिनसुलर प्लेटू प्रणाली में पठारी भाग जो है मुख्य रूप से आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। आगे हम देख लेते हैं, इंडिया है सिक्स जियोग्राफिक डिवीजन, भारत को छह भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे पाला होता है हिमालय का हिमालय पर्वत को देता है हिमालय माउंटेन, दूसरा होता है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा हो जाता है पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा हो जाता है इंडियन डेजर्ट, पांचवा हो जाता है कोस्टल प्लेन, छठा हो जाता है आईलैंड्स। तब इसके बाद हम लोग वन बाई वन सबके बारे में इसके बाद हमको चर्चा करें। पहले हम लोग देख लेते हैं हिमालय माउंटेन हिमालय पर्वत पाला के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये मुख्य रूप से यंग पर्वतमाला गिना जाता है, ये फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड यानी उसे मोड़ रहता है, मोड़दार पर्वत नए पर्वत माना जाता है ये, और खास करके ये भारत के भारत को उत्तरी क्षेत्र में उत्तर में पड़ता सीमा उसकी मिलती है, ये सीमा क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है ये, और इसमें ये आपका माउंटेन पश्चिम से लेके पूर्व तक फैला हुआ है, खास करके इंडस सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी कहने का मतलब कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वतमाला फैला है, और इसकी लंबाई हो जाती है 2400 किलोमीटर हो जाती है, और चौड़ाई हो जाती है खास करके 400 किलोमीटर कश्मीर क्षेत्र में, और 150 किलोमीटर चौड़ाई जो है इसकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, हमारे सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। हिमालय पर्वत जो है तीन पैरेलल रेंज सिस्टम का बना हुआ है, तीन पैरेलल का मतलब होता है एक की बात जो दूसरी लाइन है उसके बीच जो डिफरेंस जो है इक्वल होगा, तीन समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, उसे पाला आसान आता है गठर हिमालय उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, दूसरा हो जाता है लेसर हिमालय जिसको हिमाचल के नाम जानते हैं, और तीसरा हो जाता है शिवालिक सबसे अंतिम श्रेणी। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाचल के नाम जानते हैं, ये हमारा सबसे उत्तर पे पड़ता है, ये हिमाचल जो है हिमालय सबसे उत्तर में पड़ता है, सबसे उत्तरी क्षेत्र हिमाचल, और यहाँ पर बहुत सारी ऊंची पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, उदाहरण ले सकते हैं माउंट एवरेस्ट चोटी जो है हिमालय पड़ती है नेपाल पड़ती है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। उसी तरह कंचनजंगा पर्वत श्रेणी जो चोटी जो है भारत में पड़ती है, इसकी ऊंचाई जो होती है 8,598 मीटर हुई। तो ये हिमाचली क्षेत्र जो हमेशा आइस कैप से कह सकते हैं, मैंने बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है सालों भर, यहाँ बहुत सारे हिम ग्लेशियर निकलते हैं जिसे ब्लू ग्लेशियर का हम नाम ले सकते हैं, जिसको गंगोत्री और यमुनोत्री दो ग्लेशियर हैं जिसे गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, और खास करके हिमालय का हिमाचल श्रेणी का पूर्व भाग जो है सबसे पूर्व भाग जो है ग्रेनाइट चट्टानों से बना। आगे हम देख लेते हैं जैसा हिमालय हिमाचल के नाम से जानते हैं, ये हमारा
हिमाद्री के बाद पड़ता है, हिमाद्री का दक्षिण में पड़ता है, भीष्म पड़ता है हिमाचल। ये इसमें मुख्य रूप से जो पर्वत श्रेणियां जो है विभिन्न अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी हुई है और उसकी ऊंचाई जो हो जाती है एवरेज हाइट हम लोग देखें तो ये 3700 किलोमीटर से लेकर के 3700 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो एवरेज ऊंचाई हो जाती है और चौड़ाई उसकी 50 किलोमीटर हो जाती है। हिमाचल श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी जो है पंजाब श्रेणी है हिमाचल में, और खास करके यहाँ पर बहुत सारे वैलियां हैं, वैलीज को बोलते हैं लो लैंड टू हिल्स, दो पहाड़ी क्षेत्र विशिष्ट जमीन जमीन होती है और खाप जमीन जो होती है उसे नदी भी होते हैं उसको वैली बोला जाता है। ये बहुत सारी घाटी से जुड़कर हम आ सके, काश्मीर घाटी हो गई, कांगड़ा कुल्लू घाटी हो गई जो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो ये बहुत सारी घाटी से जुड़कर घाटियाँ इस हिमाचल क्षेत्र में है और खास करके ये अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हिल स्टेशन क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ लोग घर बनाकर पहाड़ी क्षेत्र बनाना शुरू कर देते हैं और जहाँ का वातावरण बहुत ही इन्वायरमेंट जो वहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, रहने का स्वास्थ्य वर्धक होता है, इसको हिल स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पर हिमाचल क्षेत्र में बहुत सारे हिल स्टेशन। इसके बाद सबसे अंतिम श्रेणी जो वाली के नाम से जानी जाती है, इसकी एवरेज ऊंचाई हो जाती है 900 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी एवरेज ऊंचाई हो जाती है और चौड़ाई उसकी 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। ऐसी बात नहीं, सबसे चौड़ी है ये। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती है जो हिमाचल से लेके शिवालिक तक फैले हुई है, जिसको दून के नाम से दून द्वार नाम जाना जाता है, जिसमें नाम हम लोग देहरादून हो गया, कोटली दून हुआ, ये दून पाए जाते हैं शिवालिक से। इस तरह आगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।